ये है कि एक भीतर से ही जो है एक असहमति की आवाज उठ रही है, तो इसलिए यदि मैं किसी तरह का कोई कमेंट करूं तो उसको ये नहीं सोचे कि ये कोई बाहरी व्यक्ति है जो कि इस तरह से आकर जो है पत्रकारिता जगत पर टिप्पणी कर रहा है, वो बात है नहीं। जो पेड न्यूज या सुपारी पत्रकारिता की जो बात है वो मुख्यतः बोलता मुझे इस बात से प्रेरित लगती है कि जो आदमी अपना विज्ञापन करना चाहता है, जो लोग जो है अपनी चीजों का विज्ञापन करवाना चाहते हैं, उनमें विज्ञापन के प्रति ही आत्मविश्वास नहीं है। वो संभवतः ये महसूस करते हैं कि जहां ये पता लग जाएगा कि वो विज्ञापन है, वहां जो उस विज्ञापन के भीतर कही गई बात जो है वो उस पर लोगों का विश्वास हो जाएगा। तो महत्व इसमें इस बात का है कि विज्ञापन के भीतर आत्मा भी व्यक्ति की क्षमता के बारे में जो है एक बुनियादी अविश्वास इस सुपारी पत्रकारिता को जन्म देता है। यदि हमारे कुछ गुण हैं, हमारे प्रोडक्ट के कुछ गुण हैं, हमारे किसी उत्पाद के कुछ गुण हैं, या हम स्वयं की ही किसी तरह के सेल्समैनशिप करना चाहते हैं, हम स्वयं का ही किसी तरह से जो है प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो विज्ञापन के रूप में हम क्यों नहीं करते? एक तो उसका कारण यह है, जैसे कि अभी मेरे पड़ोस में बैठे हुए वो बता रहे थे कि सब इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो मामला है, और इलेक्शन एक्सपेंसेस की एक सीमा है, और उस सीमा के भीतर भीतर रहते हुए चूंकि करना है तो बेहतर है कि इसको जो कैमोफ्लैश कर दिया जाए, इसको छुपा लिया जाए। और छुपाकर दो फायदे होंगे, एक तो हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर जो आया है उसको भी हमें इस चीज का जवाब नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये भी कि चीज जो है विज्ञापन होकर जो है नहीं जिंदा रह सकती, बल्कि जो है समाचार की नकाब ओढ़कर, समाचार का जो है घूंघट ओढ़कर, समाचार की कलरिंग करके ही जो है वो स्वीकार्य हो सकती है। तो दोनों चीजें जो है इसके कारण ये स्थिति पैदा होती है। बट इज इट नॉट अ डेमोक्रेसी ऑफ डिसीट जो कि पेड न्यूज के माध्यम से प्रचलित हो रही है? छल और प्रवंचना का प्रजातंत्र, एक ऐसा प्रजातंत्र जिसमें कि मीडिया को जो है चौथे खंभे का रोल निभाना है, और जिसमें जो है इस तरह की डबल डीलिंग हो रही है कि जहाँ कोई चीज है कुछ और दिखाई कुछ जा रही है। तो जो बात जो है कृपाल सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कही थी, टिरेनी ओवर द माइंड, मस्तिष्क के ऊपर, दिमाग के ऊपर जो है एक तरह का दुःशासन। तो वो जो दुःशासन है वो उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह की जो है न्यूज से जो है दिखाई देता है। तो ये न्यूज जो है जिसको हम चेकबुक जर्नलिज्म अपने यहाँ कहते हैं, ये जो विदेशी कॉन्टेक्स्ट में जो चेकबुक जर्नलिज्म है उससे बिल्कुल भिन्न किस्म का है। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है चेकबुक जर्नलिज्म उसे कहते हैं कि जहाँ आप कोई स्टोरी एक्सक्लूसिव कवर करने के लिए अपने उस व्यक्ति को जिसकी कि आप स्टोरी कवर कर रहे हो अपनी तरफ से पैसा देते हो। जैसे लिंडी चैंबरलेन को $25,000 दिए थे सेवन नेटवर्क ने, तो उसने जो है इस बात के लिए दिए थे कि आप ये जो स्टोरी है आप किसी और को नहीं देना, ये हम आपकी आत्मकथा है, हम कवर करना चाहते हैं इसको, और उस हिसाब से $25,000 को दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो है चेकबुक जर्नलिज्म दूसरा, हमारे यहाँ व्यक्ति है अपने आप को कवरेज करवाना चाहता है और उसके लिए जो है पैसा दे रहा है और ये बता रहा है कि इसको जो है एक समाचार के रूप में छापना। और ये सिर्फ व्यक्ति की बात होती तो शायद जो है एक बार चल भी जाती, अब धीरे धीरे जो है ये प्राइवेट ट्रीटीज के रूप में होने लगी है, ये होने लगी है कुछ कंपनियों के द्वारा, मीडिया कंपनियों के द्वारा बाकायदा जो है दूसरी कंपनियों के साथ अनुबंधों के रूप में। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रुप है, आप सब चूंकि लोग पत्रकारिता में इसके अच्छी तरह से जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उस ग्रुप का, उस मीडिया ग्रुप ने ये प्राइवेट ट्रीटीज करनी शुरू की।
इस प्राइवेट ट्रीटी का उल्लेख जो है सेबी ने अपनी रिपोर्ट में भी किया। इनमें ये थी व्यवस्था कि उन्होंने ये कहा कि हमारे इतने अखबार हैं, इतना बड़ा अखबार है हमारा, ये प्रचार प्रसार है, वो बहुत बड़े, यानी श्रमजीवी पत्रों की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे पत्रों की बात नहीं कर रहा, बड़े लोगों का। उन्होंने कहा कि हम आपके, हमारे विभिन्न मीडिया चैनल्स हैं और अखबार तो है ही, हम आपके जो उत्पादों का जो पॉजिटिव कवरेज करेंगे और आपको वो पॉजिटिव कवरेज जो है खबरों के रूप में पूरा पूरा मिलेगा। इन लिए ऑफ दैट आप हमें जो है अपनी कंपनी में इतनी इक्विटी, इतनी शेयर दे दें इसके बदले में। तो पता चला कि 2007 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 140 कंपनियों में 1500 करोड़ के शेयर उस मीडिया कंपनी ने इस रूप में प्राप्त कर लिए थे और वो बढ़ते बढ़ते जुलाई 2008 तक 4000 करोड़ के हो गए। एक ऐसे ही जो मीडिया ग्रुप है उसने जो एक नेट क्रिएट किया, मीडिया नेट, और उसमें उन्होंने यही कहा कि हम आपको जो है, आप अखबार में स्पेस देंगे, खबर के रूप में स्पेस देंगे, और वो स्पेस जो है उसके बदले में आप हमें इतनी राशि दें, और वो चल रहा है। यदि इस तरह की स्थितियां हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि इन स्थितियों के प्रतिरोध के लिए हमारे पास आज की तारीख में कौन से लीगल इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं, कौन से विधिक जो है यंत्र उपलब्ध हैं हमारे पास। और यदि हम उस तरह से देखें तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारा प्रशासन जो है पूरी तरह से निहत्ता हो, या हमारा शासन जो है उसको जो है अभी वर्तमान में सिर्फ जो है बातें करने से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, और बाद में जो है जब कोई जो है पूरा विधिक उपकरणों की रचना हो सके तब जाकर इस पर काम करना चाहिए। ये जरूर है कि हमारे पास जो वर्तमान में जो विधिक यंत्र उपलब्ध हैं, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं, अभी वो अंडर यूटिलाइजेशन के शिकार है, अभी जो है बहुत ही कम उपयोग हो पा रहा है उसका, लेकिन वो है, मौजूद है। उदाहरण के लिए यदि हम हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम लें तो वो जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस और ब्राइबरी को परिभाषित करता है एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के रूप में, एक कहना चाहिए कि चुनावी जो है गड़बड़ी के रूप में, और उसके लिए जो है वो उसको एक ऑफेंस मानता है और उसके लिए अपनी तरफ से पीनल व्यवस्था भी करता, दंडात्मक व्यवस्था भी करता है। और उसी के साथ साथ जो है उसी के समकक्ष या उसी के समानांतर ये दोनों शब्द अनड्यू इन्फ्लुएंस और ब्राइबरी, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस वाला जो चैप्टर है इंडियन पीनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, उसमें भी मौजूद है। अब यदि जो है आप किसी व्यक्ति की चुनावी संभावनाओं को उज्जवल बनाते हो ये कहते हुए कि हम उसके बारे में पॉजिटिव कवरेज कर रहे हैं, ये हमारा सौदा हुआ है, जो मूलतः एक बिजनेस है, जो जर्नलिज्म नहीं है, और इसलिए जो है सुपारी पत्रकारिता को हमें एक उद्योग के रूप में देखना चाहिए, एक पत्रकारिता के रूप में नहीं। तो यदि आपने इस तरह का सौदा किया है, ये सौदा चूंकि डिसेप्टिव है, चूंकि छल पर आधारित है, चूंकि इस विश्वास पर आधारित है कि आम पाठक जो किसी पेपर को पढ़ता है तो इस विश्वास से पढ़ता है कि उसमें लिखी गई बात जो है वो सच होगी, समाचार के रूप में लिखी गई बात सच होगी, और उस विश्वास का जो है ब्रीच है, तो इसलिए इसको जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाना चाहिए, और इसको जो है एक तरह की ब्राइबरी के रूप में भी परिभाषित किया गया है कि जब किसी तीसरे व्यक्ति को जो है कोई पैसा इसलिए दिया जाए कि वो चुनावी फॉर्च्यून्स को जो है प्रभावित करे, तो जो है वो ब्राइबरी की श्रेणी में है, इलेक्टोरल ऑफेंस की श्रेणी में। तो अभी जो है
आज की तारीख में इन दोनों प्रावधानों का, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी है और समानांतर रूप से भारतीय दंड संहिता में भी है, उनका कम उपयोग हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का जागरण हो रहा है, जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा देर नहीं जब इसके अंतर्गत जो है प्रकरण दर्ज होने लगेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर दर्ज होने लगेंगे और तब जो है वो बात जो है सामने आएगी। हालांकि अभी मांग ये चल रही है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित करते हुए पेड न्यूज को या सुपारी पत्रकारिता को जो हम उसमें एक इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिस के रूप में डाल ही दें, कर ही दें और बहुत जल्दी जो है उस पर कुछ होने भी जाए। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ करने के लोगों को जो है इस तरह का लाइसेंस मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिली हुई है। दूसरी चीज हमें ये देखना चाहिए कि इस बात को जो है दुनिया के दूसरे देश किस तरह से निपट रहे हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कुछ जगहों का कि जहां पर इस तरह से बाकायदा पैसा पेमेंट होता है, तो लोग निपट किस तरह से रहे हैं उससे। हम जो है यदि आदर्शवादी बात करते रहेंगे तो शायद बात जो है चलेगी नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन आदर्शवादी बातों से कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो वो है जो हमारे एक शास्त्रों में कहा गया है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य जो है वो वित्त से तृप्त नहीं होता, पैसे से तृप्त नहीं होता। तो उसी के कारण ये जो है इस तरह की विकृतियां जो है देखने को मिलती हैं, जिनमें ये साइकोपैथिक रूप से कुछ ज्यादा ही पैसा प्रेम होता है, तो उनमें जो उन लोगों में जो इस तरह की विकृतियां देखने को मिलती हैं। जब यदि ऐसी स्थिति है, इस तरह का दुरुपयोग करने की संभावना है, तो हमें ये देखना चाहिए कि दूसरे देश जो है इसको किस तरह से निपट रहे हैं। तो शुरू शुरू में जब इसकी बात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में, जब मैं एक सज्जन से इसकी चर्चा कर रहा था, वो एक बड़े पेपर के थे, और मैंने जब उनसे कहा कि जो है एक ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी होनी चाहिए या ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स कमीशन टाइप का कुछ होना चाहिए, तो वो बहुत ही बड़े अंग्रेजी पेपर के संपादक थे, तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि साहब ये तो जो है हमारी डेमोक्रेसी पे जो है आघात होगा और हमें तो जो है सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए, आत्मनियमन करना चाहिए। आत्मनियमन एक ऐसी चीज है कि जिससे आपको कभी किसी ने रोका नहीं है, कीजिए ना, किसने रोका। लेकिन चूंकि वो नहीं हो रहा है, प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है, सक्षम रूप से नहीं हो रहा है, तो जरूरत है कि इस तरह की कोई चीज हो। जहां तक इसके आधार पर जो है हमारे जनतंत्र से किसी तरह की समझौता करने का आरोप है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि यदि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है वो न्यूजीलैंड में है और यदि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स कमीशन जो है वो ब्रिटेन में है, और वहां पर जो है इन दोनों के होने से वहां के लोकतंत्र की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि स्वस्थ प्रभाव पड़ता है, तो भारत में यदि जो है इस तरह की अथॉरिटी या कमीशन की स्थापना हो तो उसको जो है प्रजातंत्र पर आघात कैसे समझा जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मलावी एक छोटा सा देश है, मलावी में उन्होंने यहां तक व्यवस्था की है कि टीवी एंकर जो वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं खबर पढ़ते समय, आपने भी देखा होगा ना, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के शब्दों को चबा चबा कर हिंदी की जो है लुगदी बनाकर जो बोलते हैं, तो वो जो मास्टिकेशन करते हैं शब्द का, उस पर जो है मलावी में ये प्रावधान है कि आप जो है जो न्यूज पढ़ेंगे तो तटस्थ निरपेक्ष आवाज में पढ़ेंगे। हमारे यहां अभी जब अयोध्या वाला कांड हुआ था, जब अयोध्या वाला जब निर्णय आया था, तो हम लोगों की बड़ी चिंता ये थी कि जो है कहीं ये लोग अपनी उसी स्टाइल से जो है नहीं देने लगे,
वो तो ये हुआ कि सभी जो न्यूज चैनल ने अपने संयम का परिचय दिया, अपने आत्मनियमन का परिचय दिया, और उन्होंने जो है बहुत सधे हुए संतुलित अंदाज में निष्पक्ष तरीके से खबर को पढ़ा। नहीं तो जो है पढ़ने का अंदाज ही जो है वो कई बार इन्फ्लेमेटरी होता है, कई बार वो आग लगा देता। वो जो मैंने देखा कि मलावी जैसे देश में, छोटा सा देश है, वहां पर ये प्रावधान कर रखा है कि न्यूज पढ़ते समय आपके आवाज का मॉड्यूलेशन, उसका इन्फ्लेक्शन, उसकी टोन, उसकी पिच, उसका वॉल्यूम जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की पक्षधरता को स्पर्श करे। वो बात जो है उस छोटे से देश में वहां तक का नियंत्रण है, और हमारे यहां हम इस बात को कहें तो वो लोकतंत्र पे आघात समझा जाता है। यानी एक कंटेंट कोड है, वो भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय में बन रहा है, और बार बार उसपे आपत्तियां हो जाती है, बार बार उसमें नए से नई बात आ जाती है। अभी तक उसके 20 ड्राफ्ट हो चुके हैं, ड्राफ्ट बनते हैं, फिर पुनर्ड्राफ्ट होता है, फिर रीड्राफ्टिंग, फिर ड्राफ्ट, फिर ऐसे चलते ही रहता, और पता नहीं कब फाइनल होगा। लेकिन कुछ चीजों के बारे में जो है अब धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी है कि अंततः जनतंत्र जो है उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बनाए रखना एक नॉन नेगोशिएबल दायित्व है, एक ऐसा दायित्व है कि जिसके बारे में जो है किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में जो है कोई हम अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं करते रह सकते, जिसके बारे में यदि सुधार अपेक्षित है तो तत्काल ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है इन देशों का उदाहरण जो है देखने लायक है कि जहां पर उन लोगों ने इन चीजों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे अल्बानिया में जो है एडवर्टाइजिंग प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस कोड है, ये उसका नाम ही है, अल्बानिया जैसे छोटी जगह पर, कि इलेक्शंस के दौरान मीडिया चूंकि एक विशेष तरह से व्यवहार करता है तो उसके लिए फिर उन्होंने भी एक खास व्यवस्था कर रखी है। सरेप्टिशियस एडवर्टाइजिंग जो जर्मनी में इस नाम से कहलाती है, सरेप्टिशियस एडवर्टाइजिंग, तो जर्मनी में जो है उसके लिए पूरा एक लॉ बना हो, यदि विधि का बनना, यदि स्टैच्यू का बनना जो है वो इन सब देशों में हो सकता है, और जो वहां के जनतंत्र के लिए जो है एक स्वस्थ किस्म की चीज माना जा सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी माना जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी वो बात होनी चाहिए। और सिर्फ बात जो है सिर्फ हमारी डेमोक्रेसी के हिसाब से ही नहीं है, बात स्वयं जो है मीडिया के हिसाब से भी है। यानी मीडिया में जो है पत्रकारों का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो वाकई श्रमजीवी है, जो कलम का मजदूर है, जो उन लोगों की, उन भाग्यशाली लोगों की तरह नहीं है जिनके बारे में बशीर बद्र कहते थे कि मुझसे क्या बात लिखानी है कि कभी मेरे लिए कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। तो वो उस तरह का नहीं है वो वर्ग, वो मसीही वर्ग है, वो अपना कलम का ही उपयोग करता है, और वो कलम जो है उसमें स्याही ही है, पानी नहीं मिला हुआ बहुत ज्यादा। तो ऐसा जो वर्ग है, इस वर्ग के साथ जो है निश्चित रूप से वो अन्याय है जो सुपारी पत्रकारिता है। यानी ये ऐसा ही है कि एक बच्चा जो है वो दिन रात आंखें फोड़े पढ़ाई करे और चश्मा भी लग जाए उसको, और जाकर फिर वो एग्जाम दे पूरे अपने स्मृति के आधार पे, अपने जो है समझ के आधार पे, और उसी के सामने जो है दूसरे डेस्क पर बैठा हुआ एक लड़का जो है वो अपनी गाइड और दूसरी पुस्तकों में से जो है पन्ने लाए और उसकी नकल करता जाए, उस तरह की स्थिति। ये स्थिति ही अपने आप में जो है स्वीकार्य है। तो इसलिए जो है मीडिया के ही एक मसीजीवी वर्ग की रक्षा, के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, उसकी मेहनत का सम्मान करने के लिए जरूरी है कि मीडिया के ये दूसरे एक छोटे से एक्शन के द्वारा जो है किए जाने वाली इस तरह की अनुत्तरदायी हरकतों के प्रति जो है कोई ना कोई विधि जो है प्रतिकार दर्ज किया जाए। इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण जो है आप देखेंगे कि मीडिया के प्रति जो विश्वसनीयता है, या मीडिया की जो विश्वसनीयता है,
उसको बराबर जो है उसमें कमी दर्ज हो गई। ईडलवेन नाम की एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, दुनिया के 22 देशों का अध्ययन उसने किया। वहां पर जो है उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने भारत का भी अध्ययन किया, 22 देशों के अध्ययन में भारत में उन्होंने ये पाया कि मीडिया विश्वसनीयता में जो है 2009 से 2010 के बीच में सिर्फ एक साल के भीतर 7% की गिरावट आई है। उन्होंने ये पाया कि जो टीवी न्यूज है उसकी विश्वसनीयता जो है 61% से घटकर जो है 36% रह गई, और जो प्रिंट मीडिया है उसकी विश्वसनीयता घटकर 61% से घटकर उसकी विश्वसनीयता 40% रह गई, और फिर बिजनेस मैगजीन्स हैं उनकी 72% से घटकर 47% रह गई, और इस तरह से अलग अलग वर्ग किए हुए हैं। ठीक इसी समय चीन में मीडिया की विश्वसनीयता जो है वो 59% से बढ़कर 63% हो गई। यदि हम देखें तो रीडर्स डाइजेस्ट ने एक ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे किया, वो रीडर्स उसका जो ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे है वो है प्रोफेशनल्स का, कि अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या विश्वसनीयता है। तो उसमें जो है उन्होंने मीडिया का भी सर्वे किया, कुल 36 उनके प्रोफेशंस थे जिनको कि उसमें देखा, उसमें मीडिया का स्थान था 30वां, और मीडिया का स्थान जो है ठीक पहले था बार्बर और बस ड्राइवर के, जो नाई हैं और जो बस ड्राइवर हैं उनसे ठीक पहले मीडिया। यदि विश्वसनीयता में ये जो इंडिपेंडेंट सर्वे हैं ये बता रहे हैं कि ये गिरावट आ रही है, तो हमें इन गिरावट के कारणों के प्रति सजग होना पड़ेगा और असहमति की अपनी आवाज जो है दर्ज करनी पड़ेगी। आप लोगों ने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से वही आवाज दर्ज की है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रणाम।